लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। प्रथम चरण के नामांकन की तिथि भी खत्म हो गई। टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एक रिपोर्ट आज लाए हैं, क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद में जिस तरह से घमासान टिकट को लेकर मचा हुआ था, उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी कि आखिर ये असमंजस की स्थिति बनी कैसे, क्यों इतने कैंडिडेट पहुंच गए, क्योंकि जिस तरह से कल नामांकन के दौरान सपा के सिंबल से सपा प्रत्याशी भेजे गए, उसके अलावा फिर रामपुर में आज़म खां के जो करीबी हैं वो भी नामांकन करने पहुँच गए, सपा के एक और नेता हैं उन्होंने भी नामांकन किया, तो इस तरह की स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई, और इस पूरी चीज़ को लेकर आज अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष से ब्यौरा मांगेंगे, जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो तमाम प्रदेश भर में सपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो भी पार्टी कार्यालय पहुँचे हुए हैं। बागपत सहित तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ के जो प्रत्याशी हैं या दावेदार हैं वो पहुँचे हुए हैं। अंदर अखिलेश यादव मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा जो रामपुर में घमासान मचा है उस पर अखिलेश यादव का क्या रुख रहता है, क्योंकि आज़म खान ने जिस तरह से जेल के अंदर से एक पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ें वरना जनता बहिष्कार करेगी, लेकिन उसके बाद जब सपा के कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो उनके विरोध में आज़म खान के जो करीबी हैं वो उतर जाते हैं। तो अब देखना ये होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या रवैया रहता है, किस तरह से इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हैं और एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।